हम बड़े परेशान हैं। क्या? हमारा उनकी चिट्ठी आई है और हम पढ़े लिखे हैं नहीं। चलते हैं कोई देखते हैं, कोई मिल जाए पढ़ा लिखा। ये सामने खड़े तो हैं। क्या करें, अकेले में तबीयत नहीं लग रही है, जबकि साथ के लिए कोई साथी नहीं हो। अकेला तो ऐसे समझिए जैसे सूने शहर में सहनाई बज रही हो। साथ के लिए साथी जरूर चाहिए, उसे मन लग जाता है, समय कर जाता है, रात कर जाती है। चले हम भी देखते हैं घंटा घर की तरफ, शायद कोई मिल जाए। उधर बहुत खड़े रहते हैं। ये सामने बाबूजी खड़े हैं, हम इन्हीं से अपनी चिट्ठी पढ़वाते हैं। अजियो बाबूजी। क्या बाबूजी? मुझसे कह रही हैं आप? बाबूजी। मुझसे कह रही हैं आप? बाबूजी। हाँ। क्या पढ़े लिखे हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ, बीए पास हूँ, मैट्रिक फेल हूँ। फरमाइए क्या परेशानी है? फिर बाबूजी हमारे एक काम कर दीजिए। ऐसी बातें कर रहे हो एकदम? ऐसी बातें करने की कोई जरूरत है? एकदम सिलेंडर बेस्ट टाइम गर्ल व्हाट ए ब्यूटी हैव आई डियर पैरेट लॉज करली हियर। ओहो लवली। बाबूजी हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अरे समझ जाओगी तुम, जरा हमारे यहाँ आया करो, सब बात समझ जाओगी। बाबूजी क्या परेशानी है? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम इस घंटा घर के नीचे खड़ी हो, क्या कोई परेशानी है? हमारी परेशानी बहुत बुरी है बाबूजी। किसी का इंतजार है तुमको? हाँ हाँ इंतजार है। तो वो नहीं आए? हाँ वो तो नहीं आए, मैं टपक गया हूँ, बोलिए। बाबूजी बात ऐसी, बात करिए उस जगह से, बताइए मुझे जरा दूर से। बाबूजी बात ऐसी है। हाँ, क्या परेशानी है? कि हमारे वो जो है ना, वो अच्छा तुम्हारे वो हैं कोई? हाँ है ना। अच्छा वो है? हाँ। अच्छा बात नहीं है, तुम अकेली नहीं हो? नहीं वो हैं। वो हैं। तो फिर क्या बात है? हमारे वो फौज में रहते हैं। अच्छा मिलिट्री में रहते हैं? हाँ। बहुत अच्छी बात है, देश की रक्षा करते हैं, इसमें क्या बुराई है? बताइए। और उनकी वहाँ से चिट्ठी आई है। अच्छा चिट्ठी आई है? हाँ। हम पढ़े लिखे हैं नहीं। पढ़ी लिखी नहीं हो? जी हाँ। लाइए लाइए, तो ऐसी क्या बात है? जरा चिट्ठी पढ़ दीजिए। मैं तो ऐसा ही काम करता रहता हूँ, तो दूसरों की कोई ना कोई सेवा करता रहता हूँ जब मौका मिल जाता है। ये किन की चिट्ठी है साहब? हमारे उनकी। तुम्हारे उन्हीं की है? हाँ। ये कमाल है साहब, क्या कहने, तुम्हारे उन्हीं के, तुम्हारे उन्हीं की है ये चिट्ठी? अच्छा कमाल है साहब, क्या कहने, तुम्हारे उन्हीं के? हमारे वो। अच्छा तुम्हारे वो? हाँ। वाह क्या बात है, तुम्हारे वो। अच्छा तुम्हारे वो कै महीना के है? हमारे वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कै महीना के? महीना के नहीं है। ओहो और क्या है? हमारे वो। अच्छा वो, वो। अच्छा उनकी चिट्ठी आई है ये? हाँ। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। देखो ऐसा है, इस चिट्ठी में लिखा हुआ है क्या देखिए। हाँ। मैं जब तक नहीं आऊं इसलिए आलूओं को तो छोड़ देना, बैंगन से काम निकाल लेना, सब्जी की बात बताया है उन्होंने। सही सही। हाँ। पढ़ो सही सही। हाँ यही लिख रहा है इसमें। सही सही। हाँ सही तो और क्या लिख रहा है? ढंग से पढ़ो, ढंग से। हाँ, ढंग से ही पढ़ना। हाँ। हाँ। बात ये है, जब तक मैं आऊं जब तक तुम बैंगन से काम निकालते रहना, आलूओं को मत खाना। हाँ हाँ मेरी श्री फटी जी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये लिख रहा है मेरी श्री फटी जी। ऐसे नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है? जरा दोबारा सुनाना। हाँ मेरी श्री फटी जी। ऐसे नहीं श्री। अरे और क्या कह रहा हूँ, चिरी फटी जी। वही है वो मेरी श्री। चिरी फटी जी। हाँ तुम्हारी कुछ और लिखा होगा। हाँ मेरी श्रीमती जी। ओहो हाँ मैं, मेरी समझ में आ रहा है, चिरी फटी जी। हाँ ऐसा ही है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं कुछ दिन के बाद में आऊंगा, जब तक वो उसमें बैंगन से काम निकालती रहना। फिर वही बात, आलू मत खाना, क्यों आलू नुकसान करता है तुम्हारे, उन्होंने लिखा है इसमें। अच्छा और आगे क्या लिखा है? और तो इसमें ओह आगे ये क्या लिख रहा है? अरे ये तो बड़ा खतरनाक मामला लिखा हुआ है। देखो वहाँ मच्छर बहुत खाते हैं। क्या? मच्छर बहुत खाते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई है। हाँ हाँ मच्छर बहुत खाते हैं वहाँ, परेशान है वो। हाँ बात ये है, आगे तो इसमें और कुछ भी नहीं लिख रहा है। कुछ ही लिखा? अरे ये तो मामला और खतरनाक हो गया, तुम्हारे वो तो मर गए। अरे वो तो मर गए। कमाल हो गया, चिट्ठी का कोना फट रहा है। अरे चिट्ठी का कोना फट रहा है, कमाल हो गया, तुम्हारे वो तो मर गए। क्या बात हो गई, क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं है, हाँ रोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे वो ही तो मरे, मैं थोड़ी मर गया हूँ। अरे उनको मर गए तो मर जाने दो।
क्या है? मैं तो इसलिए रो रही हूँ किस लिए? हमारे वो अगर तुम किस लिए रो रहे हो? बात ये मैम साहब, मैं सही बता दूँ तुम्हें? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। सही बता दूँ? बताओ। बात ये, तुम तो उनके लिए रो रही हो। हाँ। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, कोई बात नहीं है। तुम किसी आदमी को पहचानती नहीं हो? तुमसे ज्यादा बेवकूफ है कौन? क्यों मुझे पहचानती नहीं हो? क्यों, तुम कौन हो? अरे मैं वो ही हूँ तुम्हारा। क्या? हाँ भूल गई, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ की कोई बात नहीं है, जरा ऐसे खड़ी रहो थोड़ी देर। अरे क्यों, क्या बात है? तुम्हें मालूम है कुछ? हाँ, क्या मालूम है, क्या बात? बताओ। अरे हे बारे बारे बाल ये, अरे हे बारे बारे बाल जवानी आ रही तान पे। अरे बड़ी जवानी भन्ना के भन्ना बारे बाल जवानी आ रही तान पे। ओहो बड़ी जवानी भन्ना के भैया। और क्या है? अरे हे, ओहो, अरे हे, क्यों बतलायो तेलनसू? तेलनसू? हाँ, कैसे? अरे हे, क्यों बतलायो तेलनसू? मर जाऊंगी, कैसे? मर जाऊंगी चकड़ा बेलनसू। ओ, तेलनसू। हो, 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 सब्जी की दुकान पे हाथ पकड़ के ले गो ढोला। सब्जी की दुकान पे तोरई ले ले, तोरई ले ले, भिंडी ले ले, बैंगन यार उतार पे। हो 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 हो। और क्या है? अरे हे, क्या? अरे हे, हाथ पकड़ के ले गो छोरा। छोरा दर्जी की दुकान पे। हाँ, बड़े कपड़े सिलवा रही है छल्लो। और क्या? क्या? अरे हाथ पकड़ के ले गो छोरा दर्जी की दुकान पे। हाँ। लहंगा ले ले। ऐसे ही ले जाऊंगा, ऐसे ही ले जाऊंगा। हाँ।
और क्या है? अरे हाथ पकड़ के ले गो छोरा बनिया की दुकान पे। ओहो, बनिया के यहाँ जा रही है? अरे क्या बात है, चल चो। अरे हाथ पकड़ के ले गो छोरा बनिया की दुकान पे। और क्या है? और लड्डू ले ले। लाओ। खाओगे? खाएगी चच्चो। क्या? अरे बड़ी चच्चो है रैया तेरी जीभ। हाँ। लड्डू ले ले, पेड़ा ले ले, बर्फी आ रही कान पे। फल की दुकान पे लेगो, हाथ पकड़ के लेगो ढोला फल की दुकान पे। सेब ले ले, सेब ले ले, संतरा ले ले, केला रोतान पे। हो, 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 हो। लेगो छोरा ऐसे खींच लूंगा जैसे बिल में चूहा बाजरे की बाल खींच के ले जाता है। अपनी हालत तो देखो पहले। हालत देख, अपनी हालत देखो। हालत देख क्या है, हालत में क्या फर्क है? लेगो छोरा फल की दुकान पे। हाँ, फल की दुकान पे। फल की? हाँ, मैंने बता दिया तुम्हें। अरे तुमने तो उल्टा बताया, सीधा हम बताते हैं। बोल। तुम हर बात उल्टी बताते हो। सही बता। अरे हे, हाथ पकड़ के लेगो छोरा फल की दुकान पे। अच्छा? अरे सेब ले ले। हाँ, ले ले, संतरा ले ले। और बताऊं? क्या ले ले? कभी खाया है? क्या खाया है? बता दूं? हाँ बता दे। बता दूं? बता दे। ये मत कहना कि मुझसे कंपटीशन कर रही है। बता दे। बोल। अरे सेब ले ले। हाँ। अरे सेब ले ले, संतरा ले ले, अंगूर आ रहा तान पे। अंगूर आ रहा है। अंगूर को अंगूर खाता है। अरे अंगूर तान पे ऐसे आगे तुमने देखे नहीं अभी? हाथ पकड़ के ले गो ढोला। मैं क्यों जान लगी भाड़े के, हम नहीं जाएंगे। हाथ पकड़ के ले गो ढोला खाती की दुकान पे। हाथ पकड़ के ले गो ढोला भाड़े की दुकान पे। चकला ले ले, चकला ले ले, बेलन ले ले, मुसरिया रोकान पे। संगीत नत का दर्पण है, राठौर के सिट द्वारा बहन भैया इस रंग मंच पर अर्पण है। देखो प्रवल ईश की
माया। तब दिल अंदर घबराया, करने को नौकरी विदेशों को वो जाना चाह। सफर का इंतजाम कर, तैयार सामान तमाम कर। चलन का किया इरादा, पकड़ हाथ कंत का, नारी रोकन को हुई आमा। इस तरह की नौटंकी, दिलचस्प नौटंकी, ये राठौर कैसेट कुरावली से ही चलती है। अब देखिए बहन भैया, दौलत का नशा। उत्तम नगर के रहने वाले सौदागर उत्तम चंद एक बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत ही अच्छा पैसा था। कुछ दिनों गर्दिश में आकर के उनका पैसा बर्बाद हो गया। इसके बाद में वो नौकरी करने के लिए विदेशों के लिए बाहर के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उनकी औरत उनसे क्या कह रही है। हे भगवान, किसी दिन हम साहूकार थे, लेकिन आज हमारे पास दौलत नहीं है, क्या करें। अब यहाँ तो नौकरी कर नहीं सकते हैं क्योंकि शर्म लगती है। अब बाहर जा कर के कहीं विदेश में जा कर के नौकरी करेंगे और वहाँ से दौलत कमा करके लाएंगे, तभी अपना गुजारा होगा। अब मुझे सामान तैयार करके चलना चाहिए नौकरी करने के लिए। सुशीला बोलिए, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो। बाल सकल सामान पत हुए कहां को तैयार, दासी को निज हाल सब बतलाओ भरता। आप कहां जा रहे हैं बाल? भरतार छोड़ कर मोए अकेली जाओ। एक बात तो बताइए। क्या बताएं सुशीला तुम्हें? आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी है, मुझे कुछ तो बताओ। मैं परदेश के लिए जा रहा हूँ, रोजगार करने, जा रहे हो? रोजगार करने के लिए, कोई धंधा करने के लिए, कोई काम करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं नहीं, आप मत जाइए। क्यों सुशीला, बिना जाए बिना कमाए हमारा पालन परिवार का किस तरह से होगा? सब कुछ हो जाएगा जैसा है वैसी बढ़िया है। लेकिन अपने दिल की बात मैं तुमको बतलाता हूँ, सुनो। हाँ, इससे तुम बतलाओगे हमारा भी दिल का संदेश। दिल अंदर का, दिल अंदर का हाल में और प्रिय क्या बतलाऊं, तो को प्यारी गुजर न हमारी हो, न जाए हमारी गुजर न हो।
खर्च खाने पीने को भार। परिवार का पालन भी तो करना सीधा। बिन जाए परदेश सुशीला, बिना परदेश के, बिन जाए परदेश भामुनी कैसे होई गुजारो। अरे मियाऊ जल्दी लौट मती तुम द्रग से आंसू। प्यारी लेकिन प्रिय बिना रोजगार कामनी गुजर नहीं होए भामनी। कमा कर दौलत लामे हम, कमा कर दौलत लामे फिर तेरे संग में विध बदनी निस दिन मौज उड़ामे। प्यारी आप चिंता ना कीजिए, मैं दौलत कमा करके लाऊंगा फिर दोनों आनंद लेंगे। मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। हाँ बताइए, तुम भी मेरी अर्धांगनी हो, क्या तरकीब है? किसी सेठ की यहीं पे नौकरी कर लें आप। सुशीला ये कहना तुम्हारा अनुचित है, क्योंकि सबसे बढ़कर यहाँ पर और थे हम साहूकार, पर प्यारी भगवान ने सब दीनी है बात। निहायत प्यारी निहायत हम दुख तबियत में पामे, और किसके यहाँ पर सुनो भामुनी करन नौकरी। क्योंकि हम साहूकार थे, आज भगवान ने गरीबी हमारे ऊपर हमको दी है, तो तावेदारी न हो किसी की हम अपने दिल अंदर शर्मावे। अरे थे हम साहूकार ख्याल इज्जत अपनी काला। बिना रोजगार कामनी जी गुजर नहीं होए भामनी जी। बिना कमा कर दौलत लामे और फिर तेरे संग में विध बदनी निस दिन मौज उड़ाम।
प्यारी। ए जिस सैया में पैया पड़ू आपके, कीजे जाने का यहाँ से जिक्र ही नहीं। बिना देखे तुम्हारे हमारे बलू, मेरी तबीयत को होता सबर। स्वामी, क्या बात है? किसी भी तरह की दिल में चिंता ना करूं? बिल्कुल नहीं। क्यों चिंता ना करूं, तो फिर घर का पालन कैसे होगा प्रिय, ये तो बताओ मुझे। मैं धन दौलत अपने पियर से मंगा दूंगी आपको। अपने पियर से? हाँ? नहीं नहीं सुशीला, ऐ प्यारी मदद ना लूं मैं ससुराल से। हरगिज तुम्हारा नहीं, अपने इल्मो हुनर का और भरोसा मुझे, मैं तकूं दूसरों का सहारा नहीं। ठान ठानी है मैंने दिल में यही, ठान ठानी है दिल में और मैंने प्रिय यहाँ पे रोजगार करना गवारा नहीं। यहाँ पे रोजगार करना गवारा नहीं, लाऊं परदेश से धन कमाबो तुशाल, लाऊं परदेश से धन कमा बहुत सा, मालूम हर गिज में ये तुम्हारा नहीं। कम परदेश से धन कमा बहुत सा, प्रिय सुशीला कहते हैं पैसा नहीं पास तो घर घर का चोर है, पैसा है पास तो दुनिया में शोर है। बिना दौलत के प्रिय कुछ नहीं है, क्या कहना चाहती हो? तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मेलोरी सुना दूं।
चलो मैं सुला दूं पवन छेड़ सरगम, मिलोरी सुना दूं तुम्हें देख कर यूं ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरी बिंदिया की आंखों की झिलमिल, तुम ही मेरी बिंदिया की, तुम ही मेरी आंखों की निंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरी माथे की बिंदिया की झिलमिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया। सुशीला, मैं तुम्हारे प्रेम को, प्यार को, मोहब्बत को अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो? हाँ, लेकिन बिना जाए परदेश के मेरी गुजर तो नहीं हो रही, मैं क्या करूँ? इतनी चोरी चोरी तो मैंने तुमसे आंख मिलाई और तुम मुझे छोड़ दिया। हाँ, शादी से पहले तुमने मुझसे मोहब्बत की थी, उसके बाद में हमारी तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन क्या, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। चोरी चोरी क्या एरे मैंने चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, एरे मैंने चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, एरे मैंने चोरी चोरी जो था मेरे पास रे मैंने चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, एरे मैंने चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, एरे मैंने चोरी चोरी जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया। एरे मैंने बसा के तुझे दुनिया भुलाई रे, सारा जग छोड़ा हुई सबसे पराई, दिल में बसा के तुझे दुनिया भुलाई रे, सारा जग छोड़ा हुई सबसे पराई रे। तूने मेरे यार ऐसा काम कर दिया, तूने मेरे यार ऐसा काम कर दिया। तेरे मैंने चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, तेरे मैंने चोरी। तुझे कोई छेड़े बाहा चुप रहूं मैं यहाँ, तेरे जैसी नई मैंने पहनी है चूड़ी। तुझे
मुझे कोई छेड़े वहाँ, चुप रहूँ मैं यहाँ। तेरे जैसी नई मैंने पहनी है चूड़ी। तूने सरेआम बदनाम कर दिया। मेरे नैन चोरी चोरी अखियां लगाई रे। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे होठों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा। हो इश्क और प्यार का प्यारी, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। दिले बेकरार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। आधी रात ढल चुकी है, चांदनी जवान है, ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है। आधी रात ढल चुकी है, चांदनी जवान है, ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है। आप भी खुमार का, आप भी खुमार का मजा लीजिए, इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बेखुदी है, चाहतों का जाम है, ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है। मस्तियां है बेखुदी है, चाहतों का जाम है, ना तो कोई बेबसी है ना तो कोई काम है। आप भी खुमार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का हाँ मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। प्यारी सुशीला, तुम धीरज को धारण कीजिए, मैं परदेश से शीघ्र ही लौट कर के आऊंगा और बहुत सा धन कमा के लाऊंगा, फिर दोनों आनंद लेंगे। प्यारी एक बात सुनो। क्या? जब से आप आए हैं। हाँ, क्या हुआ है? आप धीरज को धारण कीजिए प्रिय, मैं शीघ्र ही परदेश से वापस आऊंगा और बहुत धन कमा के लाऊंगा, लेकिन मेरी माताजी की सेवा करना, इस बात को मत भूल जाना। ठीक है प्रिय। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? माताजी, इतना बड़ा स्वगन हुआ है, ठीक हुई है सामने से, फिर भी आप जा रहे हैं? पियाजी, क्या बात है प्रिय सुशीला? ठीक हुई है, अस्गुन हुआ है, आप मत जाइए, मत जाइए। बेटा, जब बहू समझा रही है तो आप क्यों जा रहे हैं? माँ,
जो करता है प्रभु अच्छा करता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हलता है। मैं परदेश को अवश्य जाऊंगा माताजी। बेटा कोई शगुन अशगुन कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए मुझे। बेटा हमारा समझाने का काम था, आगे आपकी मर्जी। नहीं माताजी मैं अभी जाऊंगा। उत्तम चंद एक बहुत बड़े साहूकार थे, गरीबी आने पर परदेश के लिए तैयार होकर चल दिए। बहू ने उनको समझाया और माता ने भी समझाया कि अशगुन हुआ है, लेकिन वो नहीं माने। क्यों कि उनको अपनी हालत के ऊपर ये था कि भाई हम किस तरह मुंह दिखलाएंगे यहाँ पर। उनको जाने के बाद में आगे आवाज लगाकर एक सेठ के यहाँ पहुंचती। हे भगवान तेरी लीला बड़ी निराली है। किसी दिन हम साहूकार थे और आज हमको नौकरी करने के लिए विदेश जाना पड़ा है। कोई कहता है कि महल सोने का बनवाएंगे, कोई कहता है कि कल हम बादशाह बन जाएंगे। भाई पर नहीं मालूम इस जीवन की क्या औकात है, और चार दिन की चांदनी तो फिर अंधेरी रात है। वाह भगवान तेरी लीला बड़ी निराली है। चलें कहीं किसी सेठ के यहाँ चल कर के नौकरी करेंगे। अरे कौन हो भाई, कैसे घूम रहे हो? सेठ जी नमस्कार। जय गोपाल जी की। सेठ जी मैं उत्तम नगर से आया हूँ। अच्छा। मेरा नाम उत्तम चंद है, नौकरी करने के लिए आया हूँ। मैं ठेकेदार हूँ, इमारत बनाने का काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। आप इमारत बनाना जानते हैं? हाँ, बिल्डिंग अच्छी तरह बनाता हूँ सेठ जी मैं। ऐसे तो नहीं है कहीं मकान के नक्शा को बिगाड़ दें? सेठ जी आप मुझे नक्शा दे दीजिए, उसी नक्शे की तरह से मैं बिल्डिंग बना दूंगा। इधर आइए। क्या आपको बिल्डिंग बनवानी है? जी हाँ, लो नक्शा लो। पहले मैं अपना ये बैग रख दूं सेठ? हाँ, इस सामान को रख दो। हाँ, आदेश कीजिए आप। इस नक्शा को देखिए और उसी तरीका का मकान बनेगा। अगर आपने बिगाड़ दिया तो ये देख लेना, बहुत काम खराब हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, आपका जो नक्शा है इसी तरह की बिल्डिंग मैं बना दूंगा। कितना समय लग जाएगा? इसमें करीब 6 महीने लग जाएंगे सेठ जी। और जल्दी नहीं हो सकता है? कोशिश करूंगा लेकिन कह नहीं सकता हूं, 6 महीने से पहले होना मुश्किल है। ठीक है बनाओ। बिल्डिंग अच्छी सी तैयार करूं, बिल्डिंग अच्छी सी तैयार करूं, नई पल की देर लगानी है, अल इल्म हुनर का ज्ञान मुझे, कोई बात न मुझसे छानी है। मेहनत भारी मैं करूंगा यहाँ,
कारीगरी मुझे दिखानी है, फिर सेठ जी से खूब यहाँ इनाम मुझको पानी है। क्योंकि अच्छी इमारत बन जाएगी तो सेठ जी इनाम अवश्य देंगे मुझे। दौलत लेकर के फिर यहाँ से मुझको अपने घर जाना है, मुझको अपने घर जाना है, प्यारी सुशीला के संग में फिर निश दिन मौज उड़ाना है। सेठ जी कहिए, देखिए आप मेरे साथ चलिए, अपनी बिल्डिंग को देखिए अच्छी बनी है या नहीं बनी है। चलो मैं चलता हूँ। आइए देखिए ये बिल्डिंग। वाह बेटे, बिल्डिंग तो बहुत सुंदर बनाई है आपने। नहीं 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 सेठ जी, इतनी तारीफ ना कीजिए। नहीं ऐसा है, आपने काम तो बहुत बेहतर किया है। अच्छा किया है क्या? आपको मैं इनाम देता हूँ और अपने पैसे ले जाइए। नहीं नहीं, इनाम की बात कहते हैं तो मुझे शर्मिंदा करते हो तुम। लो इसमें ये मोर असर भी है और ले जाइए। वाह भगवान, सेठ जी ने खूब धन दिया है मुझे। अब मुझे उत्तम नगर के लिए चलना चाहिए और अपनी माता के चरण स्पर्श करूंगा चल के, प्यारी सुशीला से प्यार करूंगा चल के और इस दौलत का आनंद लेंगे। लेकिन उत्तम चंद, रास्ते में बहन का घर पड़ेगा, आज रात को मैं वहीं पर रुकूंगा। इस दौलत को अपनी खुर्जी में रख लेता हूं। भैया बहुत दिनों में आए हैं आप। हाँ बहन, मैं आज बहुत दिनों में आया हूँ। रास्ता भूल गए क्या? नहीं, आज मैं परदेश से आया था बहन, तो मैंने सोचा कि आज बहन से मिलकर के जरूर चलूंगा मैं। सही किया भैया आपने, एक बात कहूँ आपसे। हाँ कहो बहन। भूल ही गए भैया जी? नहीं नहीं बहन, बहन और भाई का तो रिश्ता इतना पवित्र और कोमल होता है, बहन कभी नहीं भूल सकता है भाई अपनी बहन को, और कैसे भूल सकता है। एक बात कहूं भैया। कहो बहन। हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है एक दिन साल में, आता है एक सालू में। आज के दिन में जहाँ भी रहूं चले आना वहाँ, हर हाल में चले आना वहाँ हर हाल में।
बोली बेरी जमाना भैया मेरी लाज बचाना, मैं हूँ भोली बेरी जमाना भैया मेरी लाज बचाना, इस राखी की रीत निभाना, ऐसा ना हो कहीं तड़पूंगे से जैसे बुलबुल जाल में चले आना, वहाँ हर हाल में हम बहनों के लिए मेरे भैया आता है, एक दिन साल में आता है, एक दिन साल में। एक बात पूछू भैया। बहन, बात बतराने के लिए, तुम्हारी कुशलात पूछने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा। हाँ बहन, मैं बड़ा खुश हो गया। बहुत दिलन में भ्रात तुम आए मेरे धाम, अमल चैन राजी खुशी घर की बता तमाम, घर की खुशी बता तमाम, है सुखी मेरी महतारी, है सब तरह प्रसन्न कुटुंब और भावज बिरन हमारी। भाई भाभी अच्छी है भैया जी, अच्छी है। आबे सबकी याद रात दिन, क्या तुमको याद आती है बहन? सबकी याद आती है भैया। अगर बहन तुमको याद आती तो हमारे घर पे जरूर आती बहन। भैया आने में मेरा क्या करूं? क्या? अरे आबे सबकी याद रात दिन, सबकी याद सतावे भैया। बहन ये तो मेरे मुंह देखे की बात कह रही हो तुम। अगर भैया की याद तुमको आती तो बहन एक ना एक दिन मेरे घर पे जरूर आती तुम। अरे आबे सबकी याद रात दिन, मोकू धीर बंधावे, खबर ना मेरी लई भ्रात क्यों ऐसी सूरत दिखावे। खुशियत छाई मन में, भैया आप जाने दूंगी बिल्कुल यहाँ से मैं। बहन तुम मेरे घर की कुशलात पूछ रही हो मुझे? बिल्कुल पूछ रही हूँ, बताइए। मालूम नहीं है, मालूम नहीं है कुटुंब की और कुछ मुझको कुशलात, और घर छोड़े बहना मुझे कोई महीना हो गए, सात महीने आए हुए। लौट कर मैं अब विदेश से आया, अरे कम से कम कई लाखों का मैं माल कमा के माल कमा के लाया भाई।
जब मैं धन कमा के लाया हूँ तो बहन मैंने क्या सोचा चलती दफा वहां से? क्या सोचा आपने? ये रास्ते में घर पड़े बहन का मेरा मिलने को मन लल जाया और दूजे हो गई रात बहन इससे नहीं चल। और बहन हाँ। ये खुरजी इसमें दौलत है धन है बहन? दौलत भी है धन भी है। हाँ बहन मैं तुझे दिखा दूँ। हाँ, हाँ देख बहन इतना माल कमा के लाया हूँ मैं। देख बहन और ये हीराओं से जड़ा हुआ हार है बहन, ये हार। हाँ और बहन बहुत धन है इसमें तो। ये मोतियों से जड़े हुए हैं ये कुंडल। हाँ और बहन देख ये सोने की अंगूठी। हाँ। देख ने इतना माल दिया है मुझे। हाँ। और ये खुरजी मेरी बहनारी पास अपने घर ले सुबह ही ले जाऊंगा। बहन हाँ। इसको तुम अपने पास रख लो, सुबह में ले जाऊंगा जब रात इसमें से बहना मैं कुछ दे तुझे दे जाऊंगा। अच्छा मुझको दे के जाओगे इसमें से? क्यों बहन नहीं हो तुम मेरी? बिल्कुल हूँ। अब इसको रख संभाल के रख दूँ? संभाल के रखना बहन। ऐसा है हाँ। कि मैं तो 7 महीने में कमा के लाया हूँ, कोई चोर चक्का घर में ना आ जाए तो मेरी सारी दौलत को ले जाए बहन। मेरे होते भी कोई ना सकता घर में। नहीं वो तो ठीक है बहन, लेकिन मेरा भी तो कहना सत्य है कि मैं बहुत गरीब हूँ बहन। बिल्कुल मेरे बच्चे घर पे भूखे होंगे, इस दौलत को ले जाऊंगा तब आनंद मनाऊंगा बस। उसको रख दीजिए बहन को मैंने। इसको रख दीजिए ठीक है। और मेरे लिए बहन खाना बनाओ। खाना बनाओ? खाना खाऊंगा ठीक है। मैं रास्ते से चल के आ रहा हूँ बहुत दूर से। खाना बनाओ बहन अच्छा सा, बहुत दिनों में आया हूँ। खाना खा के तो फिर आराम करूंगा। पहले खाना खाएंगे आप? पहले खाना खाऊंगा बहन मैं। भैया जी खाना बनाने में टाइम लगेगा तो बहन कुछ नाश्ता करा दो। हाँ नाश्ता करा दो। हाँ, नाश्ता करा दो कुछ तो हो। भैया जी बहन नाश्ता भी कुछ नहीं है, बाजार बंद हो चुका है। घर में कुछ भी हो बहन वही सब कुछ है मेरे लिए। तो सब कुछ है जी हाँ। सूखी रोटी पड़ी हुई है? सूखी रोटी बहन 56 भोग है मेरे लिए तो। अच्छा हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ। भैया जी अंदर आइए, खाना तैयार है आपके लिए। क्या करूं भाई, माल कमा के लाया है, अब इस माल को कैसे अलग करना चाहिए कुछ ना कुछ बात सोचूंगी। वो कहाँ गए हमारे स्वामी, उनको बुलाऊं? सो रहे होंगे आराम से, माल आया है घर में अब सो रहे हैं आराम से, जगाती हूँ जाके। लो ये सो पड़े सो रहे हैं, बताइए इन्हें परवाही नहीं है घर की? अजी उठिए जी। अरे उठो ली, सोते ही रहोगे? अरे कमाल है। अजी उठिए जी। क्यों क्या बात है? अरे बात सुनिए हमारी। नींद में तुमने जगा दिया, अभी सो नहीं पाया हूँ पूरा, क्या बात है? एक बात कहूँ तुम्हारी, ऐसी क्या बात हो? वो आ गई जल्दी कीजिए, मुझे नींद में जगा दिया तुमने। अच्छा जगा दिया? हाँ। बुरा किया मैंने? क्या है? देखिए हम आपकी माँ की सेवा करते हैं। हाँ। आपकी पूजा भी करते हैं। हाँ। मालूम है आपको? हाँ। फिर आप इतनी देर के सोते क्यों है? चलो बोलो। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी,
देखूं तुझे पिया और ना देखे कोई। सो जाने दो मुझे। एक बात कह रही हैं आपसे। तुमने मंदिर बना लिया और हमें बिठा लिया उसमें। अजी वाह। बोलो और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। उठिए तो सही है आप। बोलो। त्यागो प्रीतम नींद से और देखो नैन निहार और ईश्वर ने हमको दई दौलत बेशुमार। दौलत बेशुमार पिया घर बैठे राम पठाई अरे हो गए पार दरिद्र आज भर तार लक्ष्मी आई। खाओ पियो मौज करो अब तो मौज करने दिन आ गए अपने। अरे खाओ पियो मौज करो मत करना कोई कमाई कोई काम नहीं करे कोई काम नहीं करने पड़ेगा मस्ती उछा लेंगे। ऐसी दौलत कहाँ से आई तुम्हारे पास? अरे बता दे रही हूँ। हाँ। अरे खाओ पियो मौज करो मत करना कोई कमाई अरे दूर भये दुख उठो जल्दी क्यों देर लगाई। प्यारे गोविंद के गुण गाओ। अब काम करने की कोई भी नहीं। लीजिए लीजिए देखिए।
अलग मत मुझसे। अरे देखिए देखिए कितनी दौलत है, देखिए देखिए बेशुमार दौलत है, खाओ पियो मौज करो, आप काम करने मत जाना बिल्कुल। उधर क्यों? उधर हट पीछे पहले, उधर हट। ये धन कहां से मार करे, अरे देख लाई तू बदकार, अरे सच बतला लुची तने किया कौन सा यार। अरे माल जिसका तू ले आई है, अरे बता हरा मैंने तुझे आज क्या खुशबक्ती छाई। हरामजादी, अरे भाई किसका माल है ये बेहूदी? अरे मेरा माल है। तेरा माल है? किसका माल है, किसका माल? मेरा माल है। डरे पाप से नहीं, इस कदर ओढ़ी तूने बेहयाई है, अरे मैं गरीब ही बलो न चाहिए ऐसी मुझे तो कमाई। जा तू और न सूरत मुझे दिखा तू, हरामजादी बेहूदी ये कहां से माल मांगकर के आई है और हमसे कहती है कि लो ये माल मौज उड़ाओ। अरे ये माल मेरा है जी। तेरा है ये? मेरा है बेहूदी। सुनो, अरे छर छंद लुगाई, अरे मैं गरीब ही भलो न चाहिए मोकू ऐसी कमाई। मैं गरीब ही अच्छा हूँ, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए तू जैसा दिखा रही है मुझे। बताऊँ कहाँ से आया है माल? कहाँ से आया है? बताऊँ? बता। बुरो काम कछु ना कियो, ओ कियो न कोई यार, ये दौलत भगवान ने भेजी छप्पर फार। बाबा ने भेजी है छप्पर फार के। काम ना करो दौलत आ गई। बिल्कुल आ गई। भेजी छप्पर फार, नहीं कुछ मैंने पाप कमायो, ओ भ्रात हमारो परदेशन से धन माल कमा कर लायो। भाई तुम्हारा भाई ये माल कमा, उसका है ये माल। अच्छा तुम्हारे भाई का? भाई का माल है ये। फिर? अरे उसका है ये माल, यकी करता रित में अब आयो, अरे सो रहा वो सुख से तभी मैंने ये मती उपाय। सो रहा है चैन से। ये तेरे भाई की दौलत है जी। वो लाया तेरा भाई, इसको कमा कर दी। हाँ। और तेरे पास रख दी उसने। रख दी है? तो तू इस पे हावी क्यों हो रही है? तेरा क्या मतलब है? अरे मेरा माल है जी। हाथ में ले कटारी पिया मत करो आवारी। कत्ल बीरन को कीजे,
पूरन हो सब काम तुम्हारे छीन दौलत को लीजिए। राम 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 लीजिए। गजब कर दिया तूने। क्यों, क्या किया मैंने? शर्म नहीं आती है बेहूदी? क्या बात की शर्म है जी, है क्या बात की शर्म है? तेरे भाई का धन और तलवार लेकर के गर्दन काटे उसकी। बिल्कुल शर्म नहीं आई तुझे? अजी वाह, शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई, खाई शर्म है इसमें। क्या कहेगा जमाना तेरे लिए? कुछ नहीं कहेगा। ये गजब करे है इस कदर और डरे न मन में नार, अरे अब मत कहना ये सखुन देख जीव लौट मुख डार। अपने भाई का तेने पत्थर का कीना सुन। और चली बस यहां से जा तू और न सूरत मुझे दिखा तू। अरे छर छंद लुगाई और मैं गरीब ही भलो न चाहिए मोकू ऐसी कमाई। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जैसा तू कह रही जी, मैं नहीं आई तुझी। मैं सुख से रहना चाहती हूँ। सुख से रहना चाहती है? क्या तुम्हारे पास क्या है मुझसे किया तो? क्या तुम्हारे पास? हमारे पास कुछ नहीं है, इससे क्या मतलब? हाँ, खान को है नहीं, फिर क्या करोगी? मैं धनमाल मेरा है सब। धनमाल तेरा है? बिल्कुल मेरा है। खबरदार ये जिक्र मुझसे मत करना कि उसे मार दो कटार से, कि ये धन छिना लो, घर में रहने नहीं दूंगा तुझे। अब अगर जिक्र किया तूने तो मैं जा रहा हूँ, ये बात सुनने नहीं पाऊँ, ध्यान रखना। क्या करूँ जब तो बात में नहीं आए, क्या उपाय करूँ अब? हाँ, अब चलूँ देवर के पास, देवर से कहूंगी भैया को मार दे और दौलत सब छीन ले। चलती हूँ देवर के पास। भाभी जी नमस्ते। अजी नमस्ते नमस्ते, लाला जी आइए आइए। तू जगाया, मैं सो रहा था, थका थकाया था। अजी हमने आपको बुलाया है। हाथरस गया था वहाँ, बिजनेस करके आया हूँ, दिन भर परेशान रहा हूँ, आराम कर रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? लाला जी कहाँ गए थे आप? हाथरस गया था। किस लिए गए थे? बहुत बड़ी बिजनेस है मेरी वहाँ पर। बिजनेस है? तुमको पता भी नहीं है, मैं आराम कर रहा था, मुझे आराम करने दो जाओ। लाला जी क्या बात है भाभी? एक बात कहूँ आपसे। कोई नई बात है क्या? हाँ, नई बात कौन सी आ गई बता दूं आपको? क्या नई बात है? क्या बात है बता दूं? अरे बिल्कुल बिना बताए कैसे काम चलेगा? ये माल है ना, ये माल आप देख रहे हैं ना? हाँ हाँ, दिख तो रहा है मुझे माल। ओ हो, कितना धन माल है। अरे भाभी का पेड़ से लाई हो क्या? समझो पेड़ से ही लाई हूँ। मैं समझा नहीं मतलब को। मैंने आपके भाई से कहा था, मैंने आपके भाई से। हाँ, मैं अच्छा कहा था। क्या कहा था तुमने? कि मेरा भाई माल लेकर आया है। ये तुम्हारा भाई? जी। अच्छा, उत्तम चंद? बिल्कुल। फिर मैंने उनसे कहा उसको मार दीजिए। किससे कहा? मेरा उजा। किससे कहा? तुम्हारे भाई से। पर तुम्हारे भाई तो मेरी बात ही नहीं सुनते। अब तुम मेरे साथ दो ना। क्या साथ दूं? मेरे साथ में क्या चाहती है तू? उसको मार दो, तेरे भाई को। हुँ? ए भावज, तुझ पर हुआ, अरे क्या शैतान सवार, अरे भैया को मरवाबती मेरे हाथों। मार दो सब, धर्मा मार, मौज करेंगे अब तो। शर्म भाभी तू, ऐसी तो झूठी बात। ऐसी बात क्या है?
अरे मौज करेंगे अब तो मस्ती मारेंगे, धन माल आ चुका है हमारे पास। अपने माँ जाए भाई को, अरे मेरे हाथों मरवावे, और गजब सितम अफसोस अपनी जुबान को तू दांतों तले दबावे। और बात ही कहां मिले, ये शर्म आनी चाहिए बेशर्म, तेरे दिल पे क्या बात आ गई है ये? अरे तेरा भाई सगा इकलौता भाई उसको मरवा रही है। अरे आयो भाई, दौलत तो मेरे पास है। मेरे भाई को बुरा कह रही है? आज का दौलत सब कुछ दुनिया में, कोई किसी का नहीं है। दौलत किस काम की? अजी वाह, हम दोनों भाई जिंदा हैं तो खूब कमा लेंगे। तुम भी उन जैसे ही हो गए। हमें ना चाहिए हराम की दौलत, मेरे संग नहीं दोगे? भागे जैसे बेशर्म, शर्म नहीं आती तुझे कहते में ये बात? लो मेरे भाई को बुरा कह रही है, और जो वो कहे सोचे कह रहे हैं, सही कह रहे हैं हम। भाग जा मेरे सामने से यहाँ से, मार दूंगा तुझे भी। मुझे मार देंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। ना ना क्या सिखा रही हूँ, क्या करूँ, ना उन्हें संग दिया ना देवर ने संग दिया मेरा, अब मैं किसी उपाय सोचूंगी, चलती हूँ। बड़ी मेहनत करनी पड़ी जाके संग में, अब इसको मारूंगी, बांध के मारूंगी इसको। बहन, बहन ये क्या कर रही हो तुम? बहन आते अचरज बहना भयो, सूरत तेरी निहार, क्यों मेरी छाती चढ़ी लेकर हाथ कटान। बहना क्या तूने मन के माहे बिचारी, बहना क्या तूने मन के माहे बिचारी, क्यों चढ़ी मेरी छाती ले नगेन कटारी। मेरी बहन बनी है क्यों ऐसी बेपीर? बहन इतनी बेपीर क्यों बन रही हो? मेरी बहन बनी है क्यों ऐसी बेपीर, उतर मेरी छाती से दुख है मेरो सकल सरीर,
कारण तू बता और मारती है माँ को जायो खातिर धन की क्या बहन धन की खातिर मुझे धन की खातिर मारे बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ बहन अरे भाई तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी है बहन किसी का भाई नहीं आज दौलत सब कुछ दुनिया में धन की खातिर मैं शीश उतारूं तेरा जिससे फिर मौकूं होगो सुख घने तो दिल में तरस विचार और धन की खातिर बहन मती मा जायो वीरन ऐसे लेने से पचे नहीं धन तेरा कह देगा से होए फजीता मेरे मेरे ब्रात मार सब भोगूंगी धनमान छोड़ भरोसा जीने का अब आया तेरा कहूंगा है।
हैं केहन मेरी को कर इतवार और धन की कातिर बहन मती मा जायो वीरन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बहन, सारा धन मैं तुझे दे दूंगा। मैं गंगा माँ की कसम खा के कहता हूँ बहन, इस बात को मैं तेरे कहने का यकीन मुझको आवे, क्या जान बचाने को तू ये बात बना। तेरा मैं चैन न पाऊं। बहन ऐसा ना कीजिए। एरी बहना क्यों ऐसी और कसाइन बनी, अपने दिल में न लाती जरा भी धर्म। कहाँ का धर्म है? अपने दिल में न लाती जरा भी धर्म, धन की खातिर तुम्हारे और मारे भैया तेरो हास तम हास तम हास तम हास तम। ऐसा ना कहो बहन, तेरे कहने का मुझ पे असर ही बांधी बद काम पे मैंने अब तो कमर, बांधी बद काम पे मैंने अब तो कमर, तेरा धन मान सारा छिना। धन माल सारी खुशी मनाऊं, देके धन माल मारी मनाऊं, बड़ी मुश्किल से पाया है ये सब समय, ता उम्र ऐसा मौका न मरने की सुन कर बात को कैसे सबर बहुलाएगी, मैया मेरी बहना सुने रो रो के रुदन मचाएगी। मैया मेरी माँ रो रो करके मर जाएगी। कौन माँ? बहन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ बहन, आज खामोश बहन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अब किस्से तमाम खत्म हो गया, माल सारा हमें मिल गया,
जान से गया। हाँ अरे कोई है? कोई नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पर, इस साल से फेंकवा दो बाहर। उत्तम चंद की बहन ने उत्तम चंद को खत्म कर दिया। दौलत लेकर अपने पति के पास वो आई और चुपके से लाश उठवा के कंडन में डुबो काई। अब क्या करना चाहिए? देवर भी हिम्मत हार गए, हमारे वो पति पूत वो भी हिम्मत हार गए, दोनों बुजदिल हैं। देखा मैंने काम किया है, चलती उनके पास। अजी कहाँ गए? इधर आइए स्वामी जी, इधर आइए हमारे पास सामने। क्या बात है, मैं तुझसे नफरत है मुझे? तुम कहते हैं मैं मर दूं? तुमने जब से जिक्र किया है हाँ, तो मर दो। और क्या लो, ये मर्द है। क्यों? तुम तो प्रीतम मर्द हो और दीनी हिम्मत हार, देखो मैंने भ्रात जी दियो जान से हृदय में लाई, एक हाथ में दो कर दीने कीनी बड़ी सफाई। दो कर दीने की हाथ में, अरे हथियार तूने क्या किया? मैंने क्या किया है? मैंने लाश उठा करके मैंने कंडन के बीच छुपाई और है गए पार दरिद्र आज लाखों की दौलत। देखो जी अब ये संभालो दौलत, तुम जाने तुम्हारा काम, तुम संभालो इसको अब, तुम संभालो इसको अब, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। ये गजब कियो तेने आज और ये बादर डारे फाल, अरे नज मा जाए पीर को तू लाई शीशे उतार। उतार दिया मैंने, तुम तो बुजदिल हो। देख विश्वास न हर विश्वास तुरे सूरत हराम, तुझे सूरत में बुरे लग रही तेरी। अच्छा कौन सो काऊ ने जैसो तूने कर दिखलायो, अरे देख जाहिर हो पाप देख दुनिया में नहीं छिपे तो छिपायो। अरे सब छुप जाता है जी, कोई जाहिर नहीं होता। ये न दिल में और तेरे तरस बिचारो, अरे भ्रात अपनो हन डारो। करिया
यहाँ से मुख कारो घई सगी नहीं बीरन की क्या देगी साथ हो हमारो। अरे जी भाग गया यहाँ से, खबरदार चल यहाँ से, अजी वाह चल यहाँ से, चल यहाँ से, किधर आ, अरे तूने तो बचाओ बचाओ और बुला लो। हाँ कोई झगड़ा है, इस मकान में सुन रहा हूँ मैं बहुत देर से, मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी, बताइए मकान में कोई झगड़ा हो रहा है या तो कोई चोर या आतंकवादी आ चुका है मकान के अंदर, हाँ इसको तलाश करिए। कौन है बे? मालूम होता है अभी। अबे कौन है बे सामने? और पकड़ो दी माल जी उसे, कोई है वहाँ ऐसा कोई चोर है, कोई मुझे लगता है कोई लफंगा है, चलो चलो आओ। कोई आतंकवादी है, क्या छोड़ो ए बच्चमी। अबे कौन है ये, कौन है हुजूर जी? देखिए हुजूर ये सामने देख रहे हो क्या हो रहा है, ये सामने क्या हो रहा है बताइए, क्या हो रहा है देखिए सामने, क्या हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है? ये सरकारी सड़क पे भैंस को हरी करवा, क्या बात करते हो? हाँ अभी ले के बाहर खुलवाऊं पहले। आया यहाँ पर दौड़ करी और मैंने दीने खोल किवार और देखा तो दर पर खड़े देखो कोतवाल सर। क्या है ये, क्या मांग रहा है? ये क्या हो रहा है, कोई चोर है, कोई आतंकवादी है, कौन है घर के? किसने परेशान कर रखा है, किसको कर रखा है, क्या हल्ला मचा रखा है? अजी साहब मैं बताइए हाल बताऊं सारा, क्या बात है? मैं अभी आपको पूरा हाल बताता हूँ, घबराओ मत, घबराओ मत। अजी साहब मैं हाल बताऊं सारा, ये औरत मेरी है इसने भारी जुलम गुजारा। सरकार हाँ। ये मेरी औरत है, इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्या किया है बताइए हमको। साला मेरा परदेशों से, अच्छा, और लाया धन कमा कर भाड़ा। फिर क्या हुआ? मेरा साला परदेशों से कमा करके द्रव्य लाया था। हाँ, इसने क्या किया? साला मेरा परदेशों से और लाया कमा धन भारा, अरे इस लुच्ची ने धन की खातिर भैया काशी से। न दिल में दया बिचारी मार दई कंठ कटारी, घर से निकालूं पर ये ना जावे आप घबराइए। ऐसा है दीवान जी, इधर आओ। सही सही बयान दिया है, पहले इधर आओ, सब देख लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और किसने किया? अरे इसलिए सब कर दिया। खामोश, मेरे भाई को मार दिया इसने। सामने बोल दिया हराम जादी। ऐसा है, सही कर दूंगा। हाँ। ने मेरे भाई को मार दिया, झूठा नाम ले रहा है मेरा। क्या है? बहन इतनी हत्यारी नहीं हो सकती जो अपने भाई को मार सकती है। हाँ, हो सकता। नहीं, कोई भी नहीं हो सकती। फिर किसने मारा है? इसने मारा है, इसने मारा है। हाँ, पकड़ो, झूठा नाम ले रहा है मेरा। मैंने नहीं मारा, इन नहीं मारा है। दोनों को पकड़ो, मैंने नहीं मारा। दोनों को गिरफ्तार कर लो पहले, मान लो मैंने नहीं मारा, उन्होंने मारा है। सब अदालत में, चलो अदालत में फैसला होगा। ये नहीं, सब देख लूंगा मैं तुम्हें। आतंक बचा रखा है, मोहल्ले को अलार्म उठा रखा है, पूरा रोड जाम हो गया तुम्हारी मेहरबानी से। हाँ, एक घंटे में जाम को खुलवाया है मैंने। सरकार खामोश, मैंने कुछ नहीं। सरकार मारा मेरे भाई को। चुप रहो, आप खामोश रहिए। महाराज के पास ले चले, बोलने की जरूरत नहीं। महाराज के दरबार में दरबार में चलिए, दरबार में आओ, चलिए।
मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे लगता है मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। अबे कत्ल करने वाले कोतवाल साहब, ये क्या माजरा है महाराज? बता दो। ये औरत कहती है इसने मारा। इन्होंने इसके तो वो साले लगते हैं जी, और इनके वो भाई हैं। इन दोनों ने मिलके और इसने अपने भाई को मारा है। देखिए महाराज मैं बताता हूँ। बताइए। कि औरत तो कहती है किस आदमी ने मारा है वो इसका भाई जी हाँ, और ये कहता है कि बहन ने मारा है, ये कहता है कि बहन ने मारा है। कोई अच्छा। इसका माजरा कोई समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है इसने मारा, वो कह रही है इसने मारा है। कोतवाल साहब इसका फैसला तो आप ही करेंगे। इस आदमी को फांसी पे चढ़ाइए। ठीक हाँ चढ़ाइए। औरत को खोल दो। सरकार सोच समझ के औरत को खोल दिया जाए। खोल दिया हुजूर, रिहा कर दिया महाराज? औरत को रिहा कर दिया। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे कमरे में जाएगी ना। इसको फांस पर चढ़ा दो। हैं चलिए फांस पे चलिए, ले चलिए। मुझे फंसवा रहा था, अब तू जाकर फंस गया। देखी मेरी होशियारी। बेटी आज आप इतनी उदास क्यों हैं? सासुर आज रात में मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या सपना देखा? मैंने स्वप्न में देखा है कि हमारे स्वामी परदेश से खूब सा धन कमा के लेके आए हैं और हमारी नंदुल के पास रुक गए, और हमारी नंदुल ने हमारे पति को मार दिया है। नहीं बेटा, अपनों के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं, अपनों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। बेटा वो उनकी बहन है, ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं सासुर, मुझे तो लग रहा है कि ये सच न हो जाए कहीं। बेटा अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलिए चल के देखते हैं। जल्दी चलिए। चलिए चढ़ाओ फांसी पर इन्हें। एक ही झटके में काम तमाम कर दिया जाएगा महाराज। बच नहीं सकता है? बचेगा अब हमसे? हम जल्लादन के भी जल्लाद हैं। सुन लीजिए मेरी छोटे बड़े तमाम, अरे राम राम हिंदुओं को मुस्लिम ले सलाम, और चढ़ा हूँ दार पर इस दम प्रभु से लो लगाता। मैं चढ़ा हूँ दार पर इस दम अजी प्रभु से लो लगाता हूँ, और खड़े हैं मन दुजन जितने सबों को सर झुकाता। किसी के साथ तुम्हें मुझसे मुझसे खता हुई हो गर, अजी गुजारिश दस्त बस्ता माफ मैं सबसे कराता। आया था न संग में ले चला भाई, और न कुछ ले करके आया था और न यहाँ से ले चला भाई, मैं बांध मुट्ठी को आया था पसारे हाथ जाता।
बोलिए, क्या किसी से मिलना चाहते हो? मैं किससे मिलना चाहूंगा? आखिरी इच्छा तुम्हारी हम पूरी करेंगे। आखिरी इच्छा मेरी यही है। क्या चाहते हो? कि मेरी सिर्फ भगवान से लो है। तो समय पूरा होने वाला है इसका। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, क्या बात है? क्या है? मेरे नंदोई ने मेरे पति को नहीं मारा है। फिर किसने मारा है? ये सब झूठ है या सत्य है? ये सच है। वो कैसे? मैं बताती हूँ। बताइए। नहीं नंदोई ने पिया हमारा मारो, फांसी पे क्यों चढ़वाए जाए महाराज। हुआ ना सच्चा तुमसे न्याय, इस छिनाल के कहन का नहीं, नहीं करो मति अन्याय। मेरे नंदोई का कोई कसूर नहीं है, इस डाहिन ने मेरे पति को मारा है। इस लड़की ने? ये डाहिन है, डाहिन ये जिसको आपने छुड़वा दिया था, ये तो मना करती है। नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मार करके इनने कंडों में लाश दबा दी है धन की खातिर। बड़ा पेचीदा मामला पड़ गया है दीमान जी। हाँ, बड़ा पेचीदा मामला है। ये सब कुछ मैंने सपने में देखा है। कैसे सुलझाया जाए? ये बात सच भी हो सकती है। हो सकती है? हाँ, स्वप्न क्यों विधुना नारे हृदय का ज्ञानी। स्त्री बहुत की स्त्री का चरित्र वो होता है हम तुम नहीं जान सकते। दीमान जी ये बात है। हाँ, स्वप्न कभी सच्चे नहीं हुआ करते। झूठ कर देती है। हाँ? और सच को झूठ कर दे और झूठ को सच कर दे, और ये काम है। अच्छा, हाँ, सर्प देवता को बुलाओ, जो उसे छीलेगा। अच्छा, वो ही सच्चा है। आज इस बात में ही फैसला होगा। ठीक है, बुलाइए। सुनिए, आप इस सर्प को छू लीजिए, हम समझ लेंगे तुमने नहीं मारा। अभी फैसला हो जाएगा। मैं क्यों छूऊं इसको? दूध का दूध और पानी का पानी। क्यों? मैं नहीं छूऊंगी। क्यों नहीं छूओगी? मैं कुछ काम किए नहीं। छूना पड़ेगा तुम्हें। कैसे विश्वास करें हम तुम्हारा? हाँ, इसका विश्वास है। हाँ, काट जाएगा। इसका विश्वास है, ये उसी को काटेगा जिसने ये इसका मर्डर किया है। अच्छा, हाँ, मैं नहीं छूजी। जिसने मर्डर किया है क्यों नहीं छूती हो? उसको नहीं छुओ। छुओ? क्यों घबरा रही हो? इसका मतलब तुम नहीं मारा? इसलिए तुम नहीं मारा है। छूंगी मैं। नहीं, नहीं छुओगी? नहीं। ठीक है, तुम छू लो, तुम छुओ। ये कहे आप सरकार, अरे तुम्हारा में ये हुक्म अजी बजाऊंगा, और उभे नहीं मुझको सरफ को अपने गले तो लगाऊंगा। नहीं आ
और लगावेगी और सच और झूठ की आपको अभी खबर पर जाएमान जी इसको छोड़ दो और इस औरत को गिरफ्तार कर लो और इसको फांसी पर चढ़ा दो। आइए फांसी पे आइए चढ़ जाओ चढ़ जाइए तुम्हें करनी का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल डाइन सबकी आंखों में धूल झोंक रही थी। मैं कह रहा हूँ औरत की बात को बड़ी त्रिया चरित्र वाली होती है औरत। वो कैसे दिमागी सरकार कोई भी पहचान एक बात में कह सकता हूँ कहिए। ये कहती है कि इसको मारो मत ये तो शर्म के मारे खुद ही मर जाएगी। कैसे मत मारो इसको ये शर्म के मारे खुद ही मर जाएगी। महाराज इसे छोड़ दो। कहिए हुजूर छोड़ दिया जाए। जब ये कह रहे हैं तो छोड़ दिया जाए। ठीक है लेकिन मैं विनय करता हूँ। हाँ। और आइए किधर हैं आइए अपने उनके उत्तम चंद की लाश के पास मैं विनय करता हूँ ठाकुर जी से चल करके और उनका दंग दाग संस्कार लाश में कराऊंगा। आइए प्रभु ये और तरसे दीजिए और रहम कीजिए आकल कि हम पर डराओ मरती और अतिये दोनों और बिना उत्तम चंद के आके दर्शन ये दीजिए दीजिए। दूगमा तीसरा जान में इनके संग और जोल दर्शन ये आकर दिखावो प्रभु आके दीजिए दरस साला जिंदा करो। आइए 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 तो जय हो। हमको भक्त ने पुकारा भक्त जय हो। हम समझ गए देखो तुम्हारा उत्तम चंद ये मौजूद है। अरे तो लगा ले अरे जमाने कितना जोर लगा लेगा झंडा कभी न झुकने पाएगा जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा।